10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। विराट की बनाई हुई सल्तनत अब बिखर चुकी थी। पाक से मिली वो हार संपूर्ण भारत को दहला चुकी थी। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिकल अब हर जगह चारों तरफ हाहाकार मचा था। औरतों ने खाना छोड़ के सबका मैं टीवी सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन बॉलर ने इतना हार्ड बॉलिंग नहीं की, बट लेकिन स्कोर भी उतना। हर बड़े मैच में फ्लॉप होकर दिखाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कभी रन नहीं बनाएंगे। कोई भी कभी कोई हाथ है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। तरीके से हमें कलर आया गया, जिस पे रेबी के साथ हराया गया, इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी। आपने आपको स्टेप अप करके वो खेल खेला था, वो वाकई काबिले तारीफ था। वो टीम आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। और दूसरे प्लेयर जो चांस खेल रहे, लगा नहीं कि वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप देश के लिए खेलते हो तो आपको आगे रहना है, वो अपने लिए रन। भारत पाक से हार गया, ये हर दूसरे अखबार में छपा था। ऐसे में एक दौर प्रारंभ होता है और उस दौर में टारगेट किया जाता है इंडियन प्लेयर्स को। रोहित शर्मा 0, केएल राहुल 3, सूर्य कुमार यादव 11 रन। सबको बाहर करो, एक एक करके बाहर। संपूर्ण हार का ठीकरा विराट पर फूंक दिया जाता है। हार के इन गुनाहगारों में कप्तान विराट को टारगेट किया जाता है। इस हार की सबसे बड़ी वजह कप्तान विराट, विराट की कप्तानी को बनाया जाता है। सवाल मसलन, अनफिट हार्दिक को टीम का हिस्सा क्यों बनाया गया? आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर कुमार टीम में क्यों थे? इन फॉर्म ईशान किशन की टीम में जगह क्यों नहीं बनी? क्या कप्तानी करते हुए विराट के पास कोई प्लान बी नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ विराट का अति आत्मविश्वास टीम को ले डूबा? इस दौरान अगले 9 महीने इंडियन क्रिकेट उथल पुथल के दौर से गुजरता है। किसी फॉर्मेट में विराट से कप्तानी छीन ली गई तो किसी फॉर्मेट में विराट अपनी कप्तानी खुद छोड़ देता है। कहीं आंतरिक राजनीति दिखाई पड़ती तो कहीं आपसी रंजिश। जब आप प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है, T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी, भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट के इस दौर में विराट का फॉर्म खो गया। विराट का बल्ला रन तो बना रहा था, लेकिन उस बल्ले का वो रंग नजर नहीं आ रहा था। शतकों के लिए मशहूर विराट अब एक शतक के लिए तरस रहा था। विश्व क्रिकेट का किंग ट्रेनिंग में कम, ट्रोलिंग की दुनिया में ज्यादा नजर आ रहा था। का नंबर वन प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही हूँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटे मारने की कोशिश नहीं हो रही, और क्या कर रहे हैं, दो ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला ये शख्स अब अपनी वसाहत खो चुका था। दुनिया उस पर तंज कस रही थी और उसी मीम पर ये दुनिया हंस रही थी। दशकों तक क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाला विराट अब अपना सब कुछ खो चुका था। पहले कप्तानी, फिर वर्चस्व और अब उसके स्वाभिमान की बारी थी। सुनील गावस्कर, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number one test team in the world and to its captain Virat Kohli. लेकिन एक दिन एक बार फिर उसकी सल्तनत में अंधेरा आया। एक एक करके उसके सारे साथी घुटने टेक रहे थे।
एक बार फिर उसकी सल्तनत उसके आंखों के सामने बिखर रही थी। तो सुनिए हमारी आवाज हमारे अंदाज में द पलटवार ऑफ किंग विराट। ये कहानी है एक इमोशन, एक बदला, एक पलटवार की। 2021 में भारत को पराजित कर पाक मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराना चाहता था। एक जीत से पाक पाक का घमंड अपने चरम पर था और ऐसे हालात में पाक सपना देखता है लगातार दूसरी बार दूसरे T20 विश्व कप में भारत को पराजित करने का। लगातार दूसरी बार विश्व कप में भारत को पराजित करने का सपना देख रहा पाक विश्व क्रिकेट में अपने आधिपत्य अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। क्रिकेट के किंग से उसकी बादशाहत छीन कर बाबर को विश्व क्रिकेट का नया बादशाह बनाना चाहता था। पिछले 2.5 सालों में कोहली के साथ जो हुआ उससे अब ICC भी बाबर के फेवर में थी। अपनी सल्तनत खो चुका विराट दुनिया की नजरों में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था। पहले कप्तानी और अब उसकी जगह पर सवाल थे। टीम इंडिया में कैसे सेलेक्ट हो रहा है इस बात पर सवाल या निशान थे। ऐसे में सामने था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। उसके लिए एक नई टीम और एक नए कप्तान को तैयार किया जाता है। ठीक 364 दिन बाद मेलबर्न के मैदान में एक बार फिर भारत पाक आमने सामने थे। ठीक 364 दिन बाद टीम इंडिया के सामने एक ऐसा मौका आता है जहां से वो अपने पिछली हार का बदला ले सकती थी। ऐसे में पाक पूरी तरह तैयार था भारत पर पलटवार के लिए। ऐसे में मेलबर्न के मैदान पर ये मैच हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। अब दोनों टीमों के कप्तान मेलबर्न के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार टॉस टीम इंडिया के हक में जाता है। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाक के लिए ओपन कर रहे थे उसके कप्तान बाबर और रिजवान। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंक रहे थे स्विंग के सुल्तान भुवन कुमार। भुवी ने अपने पहले ओवर में पाक बल्लेबाजों से कठिन सवाल किए। इन सवालों का फायदा अगले ओवर में टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप को होता है जब अर्श के सामने पाक कप्तान घुटना टेक चुका था। पाक की ये सलामी जोड़ी अब टूट चुकी थी। पाक अपना कप्तान खो चुका था। अर्श ने एक बार फिर से चौथे ओवर में एक बड़ा प्रहार किया और पाक के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बना लिया। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में महज 32 रन थे और पाक के दो सबसे खतरनाक हथियार घुटने टेक चुके थे। शुरुआती दो झटकों के बाद अहमद और मसूद ने पाक को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक की पारी को 10 ओवर में 60 तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में अहमद ने पटेल पर प्रहार किया और बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। अक्षर के इस ओवर में 21 रन बटोर कर चाचा ने महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। परंतु अगले ही ओवर में मोहम्मद समी ने आग से अंगार बन रहे चाचा के मंसूबों में पानी फेर दिया। पाक अब पूरी तरह से फंस चुका था। चाचा के जाने के बाद हार्दिक ने बैक टू बैक पाक को 2 बड़े झटके दिए। पाक अब पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका था। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 15 ओवर में पाक के खाते में 106 रन थे। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। विकेट गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। अगले ओवर में एक बार फिर से हार्दिक ने पलटवार किया और मोहम्मद नवाज को अपना शिकार बना लिया। 17 ओवर का खेल खत्म होते होते पाक अपने 7 बड़े विकेट खो चुका था। परंतु दूसरे छोर से शान मसूद पाक को संभाल कर रखे हुए अंत में उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स के साथ अपने अर्धशतक को पूरा किया और पाक की पारी को 159 तक पहुंचा दिया। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। एक खराब शुरुआत के बाद पाक एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य कोई नामुमकिन सा लक्ष्य नहीं था। करते हुए पाकिस्तान ने 159 रन बनाए और 8 विकेट का नुकसान उन्होंने झेला। 160 रन का टारगेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बैलेंस टारगेट माना जाएगा, अच्छा टारगेट माना जाएगा। अब टीम इंडिया के सामने 120 गेंदों में 160 रनों की चुनौती थी और टीम इंडिया इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका था इस मैच में पलटवार करने का। रोहित और राहुल से उम्मीद थी कि इस अवसर का लाभ रोहित और राहुल जरूर उठाएंगे। परंतु पहला ओवर खेलने के बाद KL राहुल अगले ओवर नासिम के साथ इस अवसर का लाभ उठाने आई टीम इंडिया अपने दूसरे ओवर में पहले ओपनर को खो चुकी थी।
टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चौथे ओवर में टीम इंडिया का कप्तान टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। रऊफ के रफ्तार के सामने रोहित का ये प्रहार बेकार था। 17 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। इस कहानी के लिए वो जगह बदल चुकी थी, परंतु इस कहानी के किरदार और अंजाम हूबहू था। दुबई के वो घाव अभी भरे नहीं थे कि मेलबर्न की महामारी संपूर्ण भारत को दहला रही थी। उम्मीद की आस सूर्य का नमस्कार हो चुका था। टीम इंडिया पावर प्ले में अपने तीन बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। 160 का यह स्कोर अब 200 के बराबर था। विकेट गिरने का यह सिलसिला लगातार जारी था। रऊफ की रफ्तार, नासिम की स्विंग इंडियन बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, लेकिन किंग का संघर्ष अभी भी जारी था। टीम इंडिया अपने संभलने का प्रयास कर ही रही थी कि सातवें ओवर की पहली बॉल पर पटेल का इस कदर रन आउट हो जाना विश्व कप में भारत की दुर्दशा को बयां कर रहा था। 33 रन पर टीम इंडिया अपने शुरुआती चार बड़े विकेट खो चुकी थी। क्रिकेट के मैदान में बिखरते भारत की दुर्दशा उम्मीदों का अंत था। अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने गया भारत अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। उम्मीद खो रहा भारत मेलबर्न में स्तब्ध था। किंग के अलावा कोई बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना करने को तैयार नहीं था। संपूर्ण भारत में संकट के बादल नजर आ रहे थे। एक बार फिर से भारत का स्वाभिमान, भारत का गुरूर मेलबर्न के मैदान में ध्वस्त हो रहा था। 125 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदें अब दांव में थी। पाक अपने जश्न की तैयारी में था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश मेलबर्न के मैदान में असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। विराट और हार्दिक ने मिल करके टीम इंडिया की पारी को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों के संघर्ष में रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, परंतु कोहली की समझदारी भारत के काम आ रही थी। 10 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में महज 45 रन थे और टीम इंडिया अपने चार बड़े विकेट खो चुकी थी। अब अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था और इन 60 गेंदों में बनाने थे 115 रन। विराट बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं हार्दिक का भी संघर्ष लगातार जारी था। इस हालात को देखते हुए हार्दिक और विराट ने मोहम्मद नवाज को 12वें ओवर में 20 रन कूट देते हैं। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 100 रन थे। अब अगले 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। पाक के इन खूंखार गेंदबाजों के सामने ये 60 रन आसान नहीं होने वाले थे, परंतु संपूर्ण भारत को अब किंग से उम्मीदें थी। अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी कि अगर मैदान पर किंग है तो इस मैच को भारत से कोई छीन कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब तक मैदान में किंग है तब तक विश्व क्रिकेट का सम्राट विराट ही है। परंतु पाक गेंदबाजों ने एक बार फिर अच्छा कमबैक किया और अगली 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन खर्च किए। रऊफ और नासिम की ये जोड़ी टीम इंडिया पे आघात पर आघात कर रही थी। इन दोनों की इस गेंदबाजी से ये मैच एक बार फिर से पाक की ओर झुक चुका था। अब अगली 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। अब इन दोनों बल्लेबाजों के लिए ये मैच करो या मरो की सिचुएशन पर आ चुका था। वक्त से लड़ कर के वो भारत की तस्वीर बदल रहा था। उस दिन विराट अपने हाथों से भारत की तकदीर लिख रहा था। क्या शाहीन, क्या नासिम, क्या रऊफ, क्या नवाज, कोहली अब अपने अंदाज में सबका हिसाब कर रहा था। पहले 18वें ओवर में शाहीन से 17 रन बटोर करके जीत के लिए अभी भी अगली 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। माहौल पूरी तरह गर्म था। ये मैच ना तो भारत के पास था और ना ही पाक के पास। इन दोनों टीमों के जीत के बीच विश्व क्रिकेट का सम्राट विराट खड़ा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितना शोर है उस मैदान में। वो बस उस वक्त से लड़ रहा था। रऊफ की रफ्तार से रन लेना आसान नहीं था। जिस लय में उस दिन रऊफ की गेंदबाजी थी उससे कहीं ज्यादा विकराल वो विराट था। शुरुआती चार गेंद शानदार फेंकने के बाद रऊफ की रफ्तार सातवें आसमान में थी। अब हालात इतने विकराल हो चुके थे कि अगर ये मैच इस भारत को जीतना है तो अगली 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट जरूरी था। अगर अगले इन 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट नहीं आया तो लगभग ये मैच भारत हार जाएगा। परंतु इतिहास की गर्त में दो ऐसे छक्के लगते हैं जिन्हें देख करके इतिहास का संपूर्ण विश्व की आंखें विराट का जय जयकार कर रही थी। अविश्वसनीय, अकल्पनीय उन दो छक्कों में संपूर्ण विश्व स्तब्ध था। उन दो छक्कों से संपूर्ण भारत खुश था। उन दो छक्कों में उसकी विरासत, उसका साम्राज्य दिखाई दे रहा था। उन दो छक्कों से वो कितना बड़ा खिलाड़ी ये साफ साफ नजर आ रहा था।
उसके बल्ले से निकले ये दो शॉट उसके अंपायर उसके साम्राज्य की कहानी को बयां कर रहे थे। वो कितना बड़ा स्टार है इस बात की गवाही दे रहे थे। विराट का बल्ला अब रन नहीं अंगार उगल रहा था। रन रथ पर सवार वो शेर संपूर्ण पाक के सामने अकेले दहाड़ रहा था। पाक की अब बोलती बंद हो चुकी थी। 1.5-2 महीना पहले जो लोग उसे ट्रोल कर रहे थे वो अब खुलेआम उसे सपोर्ट कर रहे थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक लय एक ध्वनि से जय विराट कह रहा था। अब अगली 6 गेंदों में भारत को 16 रनों की जरूरत थी और इसके लिए पाक कप्तान ने मोहम्मद नवाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया। यहां से यह मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था, परंतु हार्दिक के ओवर कॉन्फिडेंस ने एक बार फिर से लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। परंतु कार्तिक ने अगली बॉल पर स्ट्राइक देकर के एक बार फिर से भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में मैच 3 रन आ पाते हैं। अब ये मैच जीतने के लिए भारत को अगली 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। इस ओवर की 4th बॉल और विराट का ये सबसे बड़ा शॉट आउट ऑफ पार्क। अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल करा बिना गेंद के भारत को 7 रन। यानी अगले 3 गेंदों में अब भारत को मैच 6 रन बनाने थे। फिर नवाज की ये वाइड बॉल, यानी अब भारत को अगले 3 गेंदों पर 5 रन बनाने और नवाज की 4th बॉल जो सीधे विकेटों से टकराती है लेकिन फ्री हिट होने के कारण भारत को 3 रन मिल जाते हैं। अब अगली 2 गेंदों में भारत को 3 रनों की जरूरत थी। मेन स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक। अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी निधास ट्रॉफी के उस फाइनल की, परंतु टीके की ये मूर्खता भारत की उम्मीदों में एक बार फिर से पानी फेर चुकी थी। ऐसे में अब एंट्री होती है प्रोफेसर अश्विन की। 1 गेंद 2 रन। अश्विन की इस चालाकी की बदौलत ये बॉल वाइड करार होती है। अब अगली बॉल पर 1 रन की जरूरत थी, लेकिन अश्विन के शॉट ने उस 1 को 4 में बदल करके भारत के लिए इतिहास रच दिया। विराट का बल्ला उस दिन सर्वोपरि था। मैदान पीट रहा वो शख्स मैदान मार चुका था। 2.5 महीना पहले जो लोग उसे खुलकर ट्रोल कर रहे थे वो आज उसकी इस पारी का इस्तकबाल कर रहे थे। ये न्यूज, ये मीडिया, ये लोग, इनके सबके बयान बदल चुके थे। विराट ने भारत को जिताया है। कोहली का वो पराक्रम संपूर्ण भारत के काम आ चुका था। India has beaten Pakistan off the final ball to win one of the great T20 matches. Kohli steered his team home to a famous victory. India has kick-started their World Cup campaign with a 4-wicket victory against their arch rivals Pakistan. It was undoubtedly the best Diwali gift that India could get, even as the men in blue defeated Pakistan in the inaugural game of the ICC Men's T20 World Cup. It was one man who stood tall, and when the chips were down, it was King Kohli that held fort at the other end, where Kohli's Virat innings at the Melbourne Cricket Ground stole the game away from Pakistan. It Pakistan of the very last ball of the match to register a thrilling 4-wicket win against arch rivals Pakistan. Virat Kohli led Team India to an emphatic victory against Pakistan in Melbourne. जब भारत घुटने टेक रहा था, एक-एक करके भारत के सभी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे, तब उस दिन द मैन, द मिथ, द चेज मास्टर किंग कोहली भारत के लिए अकेले लड़ रहा था। उसके इस्तकबाल में संपूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था। कोहली की ये पारी विश्व क्रिकेट में एक बार उसकी सत्ता, उसे सम्राट होने का दावा पेश कर रही थी। वो किस लेवल का खिलाड़ी है ये साफ साफ बयां कर रही थी। उस दिन किंग ने मैच 53 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। That proves why is called King Kohli. The Kohli proof is he the King Kohli, he the King of cricket. Till Kohli is there, we will win. We will always win. Kohli played fantastically. We came from all the way from Ahmedabad for this match, and I think we made our day today. खुशियों से झूम रहे ये दर्शक, जश्न मना रहा ये संपूर्ण भारत। इस खुशी की वजह वो विराट और विराट की वो पारी थी। एक भारतीय की जुबान पर एक ही नाम था, कोहली। कोहली इज माय फेवरेट, ऑलवेज माय फेवरेट। नथिंग टू बीट कोहली। आई वाज अबाउट टू गो, रादर द गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज, आपको इस मैच की यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को, और आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो किसी भी मैच के स्टोरी के लिए।
चलें जी वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब ना ये विराट कोहली का जो है ना बुरा टाइम भी दिखाया और जो अच्छा टाइम है वो भी दिखाया। काफी अच्छा मतलब है उनका बल्ला खुले ही नहीं किसी टीम के खिलाफ भी। पाकिस्तान के साथ तो अक्सर मैच का जो है ना वो तो अक्सर ही खेल जाता धोनी भी खेल जाता था विराट कोहली भी और ये जो वार उम्र है ना हार्दिक पांड्या इसको पता नहीं कुछ दुश्मनी है पाकिस्तानी टीम से ये तो अक्सर ही खेल जाता है। असल में भाई बाहर खेलने के लिए नहीं आते यार बंदा माफी तो किसी को नहीं देता तो नहीं आए दिन हमें गुस्सा सारा वहां ऊपर ही निकालना है। अच्छा अच्छा ये बात में अब तुम लोगों का जज्बा ना वो भट्टी में मिलाने के लिए वो तीन ही काट लेंगे लेकिन इसमें क्या जो किया गया कि पब्लिक जो है ना वो भाई सिर्फ जीत को ही मानती है। हां यार वो पब्लिक भी स्टारों को छोड़ देती है। अच्छा जब हार जाते हैं ना तो डूब जाते हैं फिर एनालिस्ट बने होते हैं अगर फलाने को भेज देते अगले नंबर पर तो वो ठीक होता इसकी जगह उसको ओवर देते तो वो ठीक होता ये ऐसे ही अपने से जितिया बुलाते तो भाई यही तो खराब है ना। हालांकि जो उन्होंने उसको बैटिंग में ये श्रीलंका और पाकिस्तान का जो इंडिया का जो फाइनल हुआ उसके अंदर ये बुक हो रहा था अगर वो इंडिया पहले बैटिंग करता था तो फिर श्रीलंका ने जीत जाना था उन्होंने पहले बैटिंग की वजह से मजा था मैच का। अगर ये इंडिया पहले खेलते तो हो सकता वैसे वो 350 के ऊपर स्कोर कर देते तो फिर भी उन्होंने खेलना तो था ना फिर इस तरह आउट ना होते शायद पहले खेले या बाद में खेले खेलना तो उसी के ऊपर था उन्हीं लोगों के सामने खेलना था नहीं ये वो सही होने थे स्कोर ज्यादा होना तो फिर दूसरी टीम पर प्रेशर प्रेशर ज्यादा यहाँ पर तो कोई प्रेशर भी नहीं था प्रेशर के बगैर ही आउट हो गए तो वही बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन वैसे उन्होंने स्कोर करना ही नहीं दिया ये नहीं आप लोग सोच रहे तो यार वो तो हो गया उन्हें नहीं करने दिया वक्त गुजर गया है। मैं तो बस बोल रहा हूँ कि अगर टॉस जीते थे पहले बैटिंग पिछली दफा जब हारे थे पाकिस्तान से श्रीलंका से इंडिया हार गए वो ना हम इंडिया से फाइनल हार गए उस वक्त कौन था कैप्टन थे बोला मोटे रोहित शर्मा मैं ना एक स्पीच सुन रहा था कह रहे थे कि विराट कोहली ने बिल्कुल तो काफी मैच जो है ना वो इतनी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लेकिन फिर भी उनको हालांकि कई लोग बोलते थे कि भाई ये इस काबल नहीं इसको जाने दो ये भी अब आगे उठ रही थी कि रोहित शर्मा की कैप्टनी की वजह से कोहली नहीं खेला पिछली बारिश वही तो मैं बात कर रहा हूँ रोहित कोहली तो भरोसा था और उनके दौर उनके टाइम पे भी वो कोहली ने उम्मीदें तो होती है आप देख बाबर पहले कुछ दिनों पहले 151 स्कोर लगाया उसने अफगानिस्तान को नेपाल के साथ भी खेले वो ही नेपाल को 151 करने दिया भाई साहब तो अफगानिस्तान के साथ भी स्कोर नहीं दिए चलो जो भी यार खेलना अफगानिस्तान के साथ भी बड़ी मुश्किल से भाई साहब जीते वो सारा तू बात को लंबा ना खींचा कर बात सुन ले बात अफगानिस्तान के साथ पिछले दो मैच में उसने कितना जितवाया वो यार तो मैं समझाने जा तू नहीं आया और वो ये तो बाउंड्रीया लगा दी पाकिस्तान बड़ी ओ यार जीत तू हार जीत के ले मतलब यार वो अफगानिस्तान के मुंह से ना उसने ना जीत कैच कर लाया था। मैं कहता हूँ किस्मत की बात बता रहा हूँ वक्त की बात बता रहा हूँ तू हार जीत को चला गया वो तीन स्कोर पे आउट हो रहा है बेकार सी टीम है अभी नए नए खिलाड़ी लिए गए उनके साथ उसने कर दिया तो ये तो नहीं वो हमारा किंग कहेगा ये श्रीलंका बेकार टीम है तो उसके साथ क्या किया वही तो वो तुम तुम्हारे कहने के हिसाब से श्रीलंका बेकार टीम है पाकिस्तान को नहीं हराया उसने इंडिया को पिछली बार इसी टीम ने हराया बोल रहा है बाबर आजम ने 151 रन किए उसके साथ नेपाल के सामने तो किसी और टीम अच्छी के साथ करता तब हमें भी पता बाकी ये अच्छा खिलाड़ी है उसका रिकॉर्ड खेलने से ये नहीं है उसका रिकॉर्ड देख रहे अभी नेट पे निकाल के किन किन टीम के खिलाफ वो सही 19 सेंचुरी किस किस के खिलाफ देख रहे अभी निकाल दे किसके एक सेंचुरी उनके खिलाफ लग गई तो क्या हो गया चल इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कभी कमजोर टीमों के खिलाफ सेंचुरी उतार रखी बाकी तो मैच खेलते के खिलाफ क्या कर दिया अभी अभी भी इंग्लैंड भी कर दिया बाकी भी मैच खेलता है 400 के ऊपर लगा दिया उसको एयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने वो भी तो कमजोर टीम है कहते जब वो उनकी सेंचुरी जाया गई बात करते हैं सौ अफ्रीका ने नहीं वो परसों पे
पहले तो 400 से ऊपर रन किए, तो वो ही तो मैच का यार हो जाता है खिलाड़ी से। भाई साहब खिलाड़ी है तो एक आधा मैच किसी अच्छी टीम के साथ भी अच्छे स्कोर कर देता, ताकि हमें पता जिस तरह आप अच्छा है कोहली, अच्छा खिलाड़ी है बाबर, हम जो मर्जी कहे तारक, बाबर ने खुद कहा है मैं इसको अपना खुद बोला है बाबर ने आगे से ये बोल दिया इकराम में, मतलब अपना बेटा बच्चा समझ के अब नया नया उसने बोला कि मैं अपने आप से बाबर को बच्चा समझू, उससे उसका दिल बढ़ा। अच्छा विराट कोहली बहुत स्टार खिलाड़ी आज भी हमने, लेकिन बाबर आजम भी एक अच्छा खिलाड़ी है। बाबर आजम ने जितनी 19 सेंचुरी लगाई है मौसम भाई निकाल खोल कर देख लो, बाकी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं लगी, इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सभी के साथ लगाई है। मैंने इसे अच्छा ये कोई नेपाल की टीम या कोई अफगानिस्तान की टीम सारी सच के अपडेट के 2 साल हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। किसको? जब दो बंदों ने हराया था उसको कितने साल हो गए? अभी पिछले साल की बात है, 2022 की बात है, दोनों को हराया था भाई। वो यार हार हो जाती है नहीं बड़ी बात, हार हो जाती बड़ी बड़ी टीमें हार। अच्छा वो पुरानी हो गया, वो बाबर आजम नहीं था वो और यार मेरा कहने का मतलब पीछे जब 4-5 मैच खेले हैं ना, कहने का ये मतलब है कि आप उसको स्टार नहीं कह सकते यार, वो बुद्धू सा खिलाड़ी यार। अगर इंडिया के खिलाफ वो नहीं खेल सके क्या वो खिलाड़ी नहीं चलता बल्ला? अब श्रीलंका कमजोर टीम थी, श्रीलंका कमजोर टीम थी, क्या किया उन्होंने इतनी बुरी हार, और इतनी बुरी हार है पाकिस्तान श्रीलंका इस तरह हार वही तो दिखा रहे थे, वीडियो नहीं देखी तूने? जब वो नहीं चल रहा था तो लोग क्या कह रहे थे? पहले श्रीलंका ने उनको बाहर निकाल दिया, फिर पाकिस्तान को फाइनल में बाहर निकाल दिया, इसी टीम ने तारक आज वही टीम है जो इंडिया से हार के फाइनल बाहर हो गई है। लेकिन किंग कौन है? किंग तो आज भी बाबर है, आईसीसी रैंक आज भी बाबर नंबर वन अभी भी आईसीसी में वन पे है, बैटिंग पर बॉलिंग पर हमारे जो बॉलर है वन पे है, आज भी है रैंकिंग में भी वन पे, लेकिन नहीं आप आज ओवरऑल हर चीज को देखना होता है मौसम की, ये तो नहीं कि मैच जो जीते वही बस। ओवरऑल मैच भी पाकिस्तान इंडिया जो सबसे ज्यादा जीता हुआ है, इस हिसाब से फिर ये इंडिया ही होनी चाहिए नंबर वन पे। ओवरऑल बेसर जो पहले थे ना वो अक्सरियत में पाकिस्तान जीते, लेकिन आप जो आज भी पीछे 5-6 सालों से ना वैसे पाकिस्तान हार गया भी ज्यादा मैच जीता हुआ है आज भी, लेकिन पीछे वाला ज्यादा मैच जीतने वाले आज पाकिस्तान है, पहले ऑस्ट्रेलिया है। तू एक हार को बाबर के होने को कहता है बाबर गंदा खिलाड़ी हो गया। आज से तकरीबन 6 साल पहले उससे लेकर आज तक पाकिस्तान और इंडिया के इतने मैच उसमें ये भी जो जिस तरह मेजोरिटी में कौन जीते हैं वो विराट कोहली को गालियां निकाल रही थी। बिल्कुल यार मुझे बता देना पाकिस्तान और इंडिया के पीछे 5 सालों से मैच उसके अंदर मेजोरिटी में कौन जीता है? जब अच्छा लगा तो भाई साहब बाजा रुक जा ना बाजा, मैंने तो पहले भी कह रही थी बाबर के गुण गाए। अच्छा रुक जा रुक जा बात सुन ले, अब मेरी बात के बीच में नहीं बोल, क्रिकेट भाई ऐसी गेम है तारक भाई कुछ भी हो जाता है। न्यूजीलैंड देख ले आज की कल दुनिया की जब से क्रिकेट तारक शुरू हुई ना न्यूजीलैंड बहुत एक अच्छी टीम, आज भी इतनी अच्छी टीम है कभी बेचारे ना T20 जीत सके ना वनडे जीत सके, वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीते हाँ। और पूरी दुनिया में लगातार 3 साल नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं,
आशिम अमरत भी है, लेकिन वर्ल्ड कप तो वो भी नहीं जीत सकता T20 ना वर्ल्ड कप। क्या कहे वो खिलाड़ी गंदे हैं, उनका हिस्ट्री में नाम लिखा है। तो अच्छा थे ना खिलाड़ी बन चुके और खेलता हमें मजा आता। मान लेते इंडिया के इंडिया जीता जाएगा बाबर नहीं है अच्छी है, बॉलिंग नहीं थी, बॉलिंग कैसे नहीं हमारी बैटिंग जो है वो कमजोर है, बॉलिंग अच्छी है भाई साहब। वो 50 इतने कमजोर बॉलरों के सामने बाबर आजम एक मैच, बाबर आजम की छोड़ना वो तो चलो गंदा खिलाड़ी है। श्रीलंका वाले वो 50 पे कैसे आउट हो गए अगर बॉलिंग उनकी गंदी। भाई साहब जी हमारे तरफ से वाले बोले मैं खुद कौन सा ये तो इंडिया के मैच में चुना देते थे। अच्छा एक मैं इंडिया के तब तेरे वाले सुना देता हूँ, वो भी बोल रहे हैं कोई श्रीलंका क्या क्या कहते कोई खिलाड़ी निकाल रहे वो देखने दे आज कोई खिलाड़ी जो इंडिया वाले भाई साहब कितने इंडिया की मैं पहले पाकिस्तान के मैच से वो अपनी टीम को कमजोर बता रहे थे। एशिया कप जीती एशिया कप से पहले क्या इंडियन इंडियन अवाम है खुद कह रहे थे हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान को 150 के ऊपर आउट करना या 10 ओवर रखे हुए। मेरे पास वीडियो सबूत है क्या वो बाकी इंडिया ने करके दिखा दिया वो हैरान हो गए हम तो सोच भी नहीं रहे थे इंडिया ने वो कर दिखाया। क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है लेकिन इतना बुरा भला ना हो पाकिस्तान के सही सही बात है। चलो हम मान लेते इंडिया का प्रेशर पाकिस्तान भाई से पूछ रहे पूरी दुनिया ने इंडिया खेल रही दोनों टीम जब पाकिस्तान के साथ खेलती है ना उतना प्रेशर कभी पाकिस्तान भी गिरना शुरू हो जाए ना ये प्रेशर में स्कोर ही नहीं करते। इंडिया की विकेट भी गिरती रहे लेकिन रन रेट उनका भाई साहब उस हिसाब से जाता जैसे मैं शुरू से किसी टीम के सामने भी खेलते हैं प्रेशर उन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया है और इतनी नहीं निकालती जितनी वो निकालते हैं वो तो भाई साहब जिस दिन वो पाकिस्तान से आ रहे थे वो ठीक था उसके साथ क्या हालत हो रही थी वो मुसलमान के साथ क्या कर रहे थे पाकिस्तान इसकी बेटी को उठा लो इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। हर कोहली की बेटी को उठाने की बात हुई क्या वो अच्छी बात थी क्या वो सरदार खिलाड़ी नहीं क्या उसने इंडिया का नाम ऊंचा नहीं किया नहीं ये उन्हें जजता था लेकिन किंग बाबर आजम नहीं है कोहली है ये आपको किंग साहब की बेटी को उठाने की बात है फिर हो रही है तो वो बुरा किया ना गलत मान वैसा आवाम की बात ना कर इधर पाकिस्तान में ऐसी बातें होती हैं एक मिनट आज बाबर के ऊपर पूरा वक्त आया वो हार गया तो क्या बाबर को गाली निकाले ये नहीं बनता तो वही कह रहे बाबर को घर से निकाल दो पकड़ लो तेरा मतलब यही बनता है। नाम था जो सिंह बॉलर था वो जिसको पहला था अश्वत अफरीदी ने छक्के लगाए थे नहीं नहीं यो वो जो दो बंदों ने हराया था वो मैच बाबर रिजवान यार बॉलर का इंडियन बॉलर का उसको ऊपर जुड़ा नहीं था पतला था उसको गाली नहीं मार मोहम्मद शामी ने उसको गाली निकाल रहे उसको खिलाड़ी ने उसके बाद उसने कैच ड्रॉप कर दिया था उसको बॉलिंग में भी पड़े थे स्कोर पड़ जाते हैं हमारे लोगों को नहीं शहनशाह को कितने 350 स्कोर थोड़े हैं उन्होंने इंडियन खिलाड़ी ने नहीं बनाए पाकिस्तान उन्हीं बॉलरों के खिलाफ जिनका खौफ था ये क्रिकेट में हो जाता है प्रेशर ले जाती है ये आपको यार लेते हैं मानते हैं इंडिया भी लेती तो इंडिया भी पाकिस्तान के सामने भाई साहब हमसे भी ज्यादा डर लगता है यकीन नहीं उस हिसाब से तू मान जा अच्छा भाई तू छोड़ अच्छा कमेंट में भाई बता देना पाकिस्तान का जब इंडिया के साथ मैच होता है दोनों टीमों का दोनों के ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं होता है दोनों तरफ से होता है इंडिया के ज्यादा होता है पाकिस्तान के चलो भाई ठीक है पाकिस्तानी अवाम को इतनी भड़कती नहीं जितनी इंडिया की अवाम भड़क जाती है क्योंकि वो पैसा भी ज्यादा खर्च करते हैं उनका ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विराट भाई साहब नो डाउट स्टार है लेकिन वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है कि जो भाई साहब टॉप पे रहता है उसको सलाम करते हैं दो दिन वो गलत खेलेगा तो कहेंगे इसको निकालो निकालना शुरू कर दी ऐसे ही होता है भाई साहब यहाँ पर भी ऐसे ही चलता है। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं उनके साथ अब तक इजाजत दें।